बिहारी कैसा था और यहाँ पर साइकिल पे सवार होकर जा रहे यात्री, इनसे जानकारियाँ लेते हैं। आपका नाम? मसूदन मंडल, रंगरा। और कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी रंगरे जा रहे हैं, कालू चक से आ रहे हैं। कालू चक में क्या है, कहाँ? कालू चक में रहते हैं? हाँ, बसा है। बसा है। और बाढ़ उड़ कैसा है पानी? कालू चक समूचा घेर लिया है। क्या चीज़ से? पानी से। पानी से जलमग्न हो गया, एकदम जलमय। तो इसे आप बचाव के लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? बचाव लिया गया, वो सरकार क्या देगा, मुखिया जी क्या देगा। अच्छा, तो चलिए जानकारी ले रहे हैं इस वीडियो के साथ। चलिए अब दिखाते हैं बाढ़ का नजरिया इस वीडियो के साथ। लगातार बने रहिए करुण गाड़ी के साथ। आप देख रहे इस वीडियो के साथ डुमरिया रोड चिंतेंगा देरा जाने वाला संपर्क मार्ग का दोनों किनारे जो है कि पानी से जलमग्न हो गया। एक तरफ है गंगा का पानी का धारा, दूसरे तरफ जो देख रहे हैं ये है कोसी का। दोनों तरफ, एक तरफ गंगा एक तरफ कोसी, दोनों तरफ से घेर लिया है इस रोड को। और जो चिंतेंगा देरा आवागमन जो जाने में अब बढ़ रहा है इस क्षेत्र की जनता को परेशानियाँ, जो कि देख रहे हैं पूरा जो जलमग्न शुरू हो गया है। तो वीडियो के साथ आप जानकारी ले रहे हैं करुण बिहारी के साथ। जलकर जो है ना तैयार हो गया है। एक तरफ बाढ़ के पानी जब आता है तो मछली बधाल वाले को मज़ा आने लगता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो लगता है कि ये बटेश्वर स्थान का पुल बन रहा है, जो कि काफ़ी यहाँ जो है कि 100 से ज़्यादा पहुँच। और यहाँ पर मचन्ना भी तैयार हो गया, लगता है यहाँ पर पुल का जो है ना न्यू पाया बनने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ जो कि रोडवा के किनारे जो है कि पूरा जो है कि पानी जलमग्न हो गया है और भैंसवा लोगों का जो है ना मज़ा आ गया है। अब जो है कि जो भी ऊँचे नीचे जगह पर फसल होगा, गहूँ चारा होगा, पशु चारा किसान का, तो वो भी जो है ना भैंसवा लोग मनमानी करेगा। दिन भर तो नहीं चढ़ाएगा, लेकिन जब शाम का टाइम होगा तो इकट्ठे हुला देगा। तो आप देख रहे हैं भैंसवाड़ा सब का जो है कि अभी नदी में जो नहा रहे हैं, तो कहीं चरा रहे बगल में। समूह के टाइम में जो है ना उसका मन बढ़ जाएगा। तो जो किसान देख रहे हैं और कुछ ऊंचा टीला जो है कि अभी बचल है, वो भी धार धार में पनिया आ गई। टिंडंगा देरा क्षेत्र में कई गांवों का जुड़ाव है, जैसे है सिमरिया, उसरहिया, भीमदास टोला, इमाबाद, ज्ञानीदास टोला, झलूदास टोला, टिंडंगा देरा, कई गांव जो कि इस गंगा और कोसी की बाढ़ के चपेट में आते हैं। और यहाँ की जनता को परेशानियाँ हर साल की भांति होते रहता है, जो कि आप 2023 का नज़रिया देख रहे हैं। और रोडों का देख रहे हैं, रोडों पर ये गिट्टी जो है जगह जगह पर गिरल है। रोड मरम्मत जारी भी है, धीरे धीरे कम हुआ, अभी तो बंद फिलहाल है। और ये जो है गाँव वाला जो है कि ये नज़दीकी है, जो कि आप देख रही है गढ़ा में भी पनिया आ गया है। और गांव जाने वाला में भी जो है ना पनिया जो है धीरे धीरे जो है कि वर्षा भी साथ दे रहे हैं और बाढ़ का पानी भी विकराल रूप अपना दिखा रहा है। और किसान लोग, छोटे किसान लोग जो है कि अपना खेत का जो है कि फसल जैसे हुआ गेहूँ मकई हुआ, वो कटैया शुरू हो गया है। और मछली बदाल वाले अपना भी रोजगार व्यवसाय शुरू कर दिया। तो इसी तरह आप वीडियो के साथ और भी जानकारी लीजिएगा। वीडियो के साथ बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय।